That do not do daily vlogging. सो वेलकम टू द चैनल गाइस. टाइम अभी 11:12 हो चुके हैं और मैं वैसे ही रिएक्शन भी शूट करके हटा हूँ और मैं आज फिर सो गया था. मैं लगभग 9 बजे उठाऊँ उसके बाद फिर सो गया हूँ और यहाँ पर छिपकली आप देखो, ये देखो ये कहाँ गई, ये दिख रही है, चली गई छिपकली थी तो मेरा ध्यान उसकी तरफ से चला गया. रिएक्शन वीडियो शूट करके हटा हूँ, अब मैं इसको जगह एड करूँगा, इसको अपलोड करेंगे फिर. अभी पंजाबी क्लास है वो मैंने फिर नहीं लगाने, इंग्लिश की क्लास देख लेंगे शायद लगा लेंगे. उसके बाद इनकम टैक्स की क्लास है वो तो जरूर लगाएंगे. एंड आज का दिन भी आई थिंक सो वैसे कुछ जाएगा जैसे कल का गया था, जैसे परसों गया था. तो मिलते हैं आपसे. तो यार सर ने ज्वाइन कर लिया तो फिर दिन की पहली क्लास लगाते हैं. फाइनेंशियल नहीं, इनकम टैक्स की क्लास है, मुझे क्लास का नाम भूल गया था. तो दिन की पहली क्लास लगाते हैं इनकम टैक्स की क्लास. लगभग टाइम आप देख सकते हैं कि 12:55 हो चुके हैं. सुबह की पहली क्लास है तो फिर लगाते हैं. आई थिंक सो लास्ट क्लास होगी, इसके बाद मेरा क्लास लगाने का दिल नहीं कर रहा. गॉड ब्लेस यू, कल का भी दिन बहुत बढ़िया हो आप सबके लिए. ओके जी, धन्यवाद. सो गाइस टैक्स की क्लास हो चुकी है फिनिश और टाइम लगभग 1:29 हो चुका है. अब देखते हैं इसके बाद क्लास लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे. अगर लगाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, नहीं लगाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा. तो यार दिन की सारी क्लासेस हो चुकी हैं फिनिश और टाइम लगभग 2:58 हो चुका है, मतलब 3 बज चुके हैं. सारी क्लासेस हो चुकी हैं फिनिश एंड फिर देखते हैं आगे क्या होता है. आज का दिन भी वैसे आई नो कि बहुत ही बोरिंग डे जा रहा है. आपको पिछले कुछ दिनों से वही सेम रूटीन देखने को मिल रहा है, क्लासेस फिर वीडियो फिर कुछ एंड हो वीडियो एंड हो जाती है. बट आई एम थिंकिंग सो कि आज हम कुछ बातें करेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. शायद करेंगे शायद नहीं करेंगे, अगर दिल किया तो करेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे. आपको तो पता चल ही जाएगा लॉक के आगे में कि बात हुई है फिर नहीं हुई है. तो यार टाइम अभी लगभग 5:17 हो चुके हैं और मैं रिएक्शन वीडियो शूट करके हटा हूँ. आई नो कि आज मैं फिर आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग व्लॉग दिखा रहा हूँ. यार दिन सारे बोरिंग जा रहे हैं और देख सकते हैं पूरा पसीना आ चुका है क्योंकि पंखा बंद, ऊपर फैन बंद है. तो बिना फैन के, क्योंकि फैन की आवाज़ बहुत आएगी, तो बिना फैन के रिएक्शन वीडियो शूट की है. लो जी थले डिग्गा पे टाइम लग्स कितने बनना है. फिर बाहर का पार्ट मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि वही सेम होता है रोज़ बाहर का. तो मैंने बाहर का पार्ट आपको दिखाया नहीं. पहले मौसम तो देखो आप, ये देखो बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है. आई डोंट नो कितना टाइम लैप्स इसने बनाया है. ये तो गिर चुका था पहले ही, सिर्फ 10 सेकंड का टाइम लैप्स निकला, उसके बाद सारा ये गिर के पड़ा था. क्या है यार. तो यार आई नो कि आज का दिन भी वैसे ही जा रहा है जैसे कल का, जैसे परसों का, जैसे परसों से पिछला दिन जा रहा था. बट आपसे मैंने एक बात करनी है जो कि है डू नॉट डू डेली व्लॉगिंग. अब आई नो कि मोस्टली मुझसे यही पूछ रहे होंगे कि मैं खुद डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं डेली व्लॉगिंग करने से मना कर रहा हूँ. क्योंकि यार जब आप डेली व्लॉगिंग कर रहे होते हो तो आप अपनी लाइफ को प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हो कि मेरा इसके बाद मैं ये करूँगा, इसके बाद मैं ये करूँगा. क्योंकि आपको स्टोरी चाहिए दिन के लिए, क्योंकि अगर आप डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको डेली अपलोड करना पड़ेगा. तो डेली अपलोड करने के लिए आपको डेली स्टोरी चाहिए. और ऐसा कभी हो सकता है कभी कि आपको डेली स्टोरी ना देखने को मिले. उस दिन आप पहले से ही कुछ प्रेडिक्ट करेंगे, मैं आज दिन में ये करूंगा तो मेरी स्टोरी बन जाएगी. ये ना एक स्टोरी प्रेडिक्ट करना शुरू हो जाता है. तो इससे ना 2 दिन आपको बहुत बढ़िया लगेगा यार, मैंने इतना खतरनाक टाइम लैप्स बनाया, मैंने कितना खतरनाक चुटकी मार के ट्रांजिशन कर दिया. लेकिन तीसरी बार जब आप करोगे तो आपको बोरिंग लगेगा कि यार फिर से मैं वही दिखाना शुरू कर दिया हूँ, कुछ ना इंटरेस्टिंग. क्योंकि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा काम में, जब तक आपको काम अच्छा नहीं लगेगा तो आपको उस काम में मज़ा नहीं आएगा तो नहीं चलेगा यार. बाकी आपकी थ्योरी कुछ और हो सकती है डेली ब्लॉगिंग को लेकर. मेरी थ्योरी यही है कि अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट है तो उसको करो, डेली ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो करो, लेकिन अपनी लाइफ को अनप्रेडिक्टेबल ही रहने दो कि मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होगा. बट आई एम ट्राइंग सो कि मैं कुछ और भी आपको इसके बाद दिखाऊं, लेकिन अगर कुछ नहीं मिलेगा तो ये वीडियो आपको यहीं पर एंड करनी पड़ेगी. आपको पता चली क्या होगा वीडियो यहाँ पर एंड हो रही है फिर नहीं हो रही है. तो यार टाइम अभी लगभग आई थिंक सो 8:30-9 बज चुके होंगे और मैं अभी रिएक्शन वीडियो शूट करने लगा हूँ. यस इस टाइम पर मैं रिएक्शन वीडियो शूट करने लगा हूँ क्योंकि एक नया सॉन्ग अभी 8:30 बजे आया था तो उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो शूट करने लगा हूँ. और मैं ये वीडियो बाकी सारी एडिट हो चुकी है. तो मिलते हैं आपसे कल. होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. तो मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम जगह. बाय बाय.